नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के रायपुर कर्शियान थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर संचालित सर्राफा दुकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान संचालक के मुताबिक लगभग 2 लाख कीमती सोने चांदी के जेवरात अज्ञात चोर उठा ले गए। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। घटना के संबंध में दुकान संचालक अमित सोनी निवासी रायपुर कर्शनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने से महज 500 मीटर दूरी पर उसकी शिव ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। रोजाना की तरह बीती शाम वह दुकान बंद कर घर चला गया था। दूसरे दिन सुबह जब दुकान आया तो शटर का ताला टूटा हुआ था और शटर नीचे गिरा हुआ था, जिसके बाद शटर उठाकर जब अंदर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों ने दुकान के अंदर रखे जेवरात पार कर दिए हैं। इस दौरान तकरीबन 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात उठा कर ले गए। पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत रायपुर कुर्सियान थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा मौके का मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। कल मैं आया संतोष चाचा बगल में रहते हैं तो फोन लगाए, बोले कि अमित तुम्हारा घर का ताला टूटा है। मैं आया तो देखा तो अपने समय ताला टूटा था, शटर पूरी यहाँ की डेमेज थी। तो मैं कल आया तो अपना काउंटर देखा, काउंटर में मेरा पूरा सामान चांदी की पायल, बच्चों के सामान और क्या कहते हैं कि हाथ का कड़ा और ब्रेसलेट और चांदी की अंगूठी और सोने की कील और नथ सब गायब थी। और पता नहीं किसने क्या किया और उस साइड जाके पूरा सामान फेंक दिया, सामान के पैकेट, सामान निकालने के बाद पैकेट फेंक दिए। और जब हमने गया तो FIR करवाया, FIR में आए पुलिस वालों ने आए PI आए तो क्या कहते हैं कि अपना जांच पड़ताल किए, बोले कि जो होगा तो मैं वो मिल जाएगा सामान तो आपका सामान वापस कर दूंगा, बाकी आप हमारी सहायता कर दीजिएगा बस।